इसमें डल है। जब ये टीवी मेरे पास लाया गया था तो इसमें पिक्चर बिल्कुल नहीं आ रही थी, सिर्फ साउंड आ रहा था। तो हमने ये दो जीनर इसका चेंज किया है, कहाँ से मैंने चेंज किया वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। और उसके बाद मैं इसका और जो अभी ब्लैक पिक्चर आ रही है उसको मैं ठीक करने वाला हूँ। जो मैंने अभी जीनर चेंज किया था ये AVL सेक्शन का ही जीनर है, पिन है इधर से, ये AVL का पिन है। वोल्टेज यहाँ पे 210 वोल्ट के आसपास मिल रही है हमें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो मैं प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ इस टीवी का, इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर आ तो रही है लेकिन इसमें ब्राइटनेस की कमी है, कंट्रास्ट कलर सब कुछ इसमें डल है। और एक बात बता दूं कि इसका जो मेनू दबाता हूं मैं, तो मेनू दबाने के बाद में इसका ब्राइटनेस कंट्रास्ट दिखता है, वो भी एकदम क्लियरिटी। इसमें आवाज़ आ रही है और पिक्चर जो है धुंधला आ रही है, एकदम डल आ रही है। आप देख सकते हैं टीवी अभी चल रहा है मेरा। आज मैं इसी प्रॉब्लम को ठीक करूंगा। अगर पिक्चर ट्यूब की कमी होती है इसमें तो ये जो हमारा मेनू दबाने के बाद में इसका जो लिंक आता है इसमें भी ये काला काला दिखता है, लेकिन ये चीज़ हमारा क्लियरिटी बढ़िया है और वीडियो जो हमारा आ रहा है वो डल आ रहा है। तो आज हम इसी को ठीक करेंगे। आप देख सकते हैं टीवी चालू है लेकिन इसमें पिक्चर साफ नहीं दिख रहा। तो ये प्रॉब्लम कहाँ का है और किस तरह का प्रॉब्लम है मैं आज आप लोगों के बीच शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी कुछ समझ में आएगा। जब ये टीवी मेरे पास लाया गया था तो इसमें पिक्चर बिल्कुल नहीं आ रही थी, सिर्फ साउंड आ रहा था। तो हमने ये दो जीनर इसका चेंज किया है, कहाँ से मैंने चेंज किया वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। और उसके बाद मैं इसका और जो अभी ब्लैक पिक्चर आ रही है उसको मैं ठीक करने वाला हूँ और दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। जो मैंने अभी जीनर चेंज किया था ये AVL सेक्शन का ही जीनर है, ये जीनर मैंने एक ये जीनर चेंज किया था और एक ये जीनर चेंज किया था। ये दोनों जीनर चेंज करने के बाद में इसमें पिक्चर तो आ गई है किंतु ब्राइटनेस नहीं आ रही है, पिक्चर काला काला आ रहा है। चलिए चेक करते हैं इसका आखिर पिक्चर काला आ क्यों रहा है। तो मैं टीवी को बंद कर देता हूँ, इसका टीवी वायर जो है निकाल लेता हूँ मैं और दोस्तों ये प्रॉब्लम जो आता है ये अक्सर AVL का प्रॉब्लम है। ये जो ESD से AVL IC को मिलता है और फिर IC उसको आउट करके जो है ये AV सॉकेट को देता है, तो ये इसी बीच का कोई फंडा होगा। तो इसको चलिए चेक करके दिखाते हैं आपको। अब मैं टीवी ऑन कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने टीवी ऑन कर दिया है और ये जो दूसरा पिन है इधर से ये AVL का पिन है। यहाँ हमारी वोल्टेज 210 वोल्ट के आसपास मिल रही है हमें। इसका मैं ये भी केबल लगा देता हूँ। पिक्चर आ गई है, यहाँ 210 वोल्ट मुझे वोल्टेज आ रही है और ये AVL का स्पिन पे आ रही है और AVL के साथ में फिर यहाँ से इस रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ आ गया और इस के बाद यहाँ आ रहा है। और ये देखिए ये IC पे गया हुआ है, यहाँ का एक रेजिस्टेंस है जो ये रेजिस्टेंस के द्वारा IC पे गया हुआ है। तो यहाँ दूसरे सिरे पे देखिए कुछ भी नहीं आ रहा वोल्टेज, जो AVL का ये वोल्टेज यहाँ आ रही है 210 वोल्ट, ये यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। एक बार मैं पास से आपको दिखाता हूँ। जो ये AVL पिन है, AVL पिन यहाँ आया और उसके बाद में ये रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ आया और इस रेजिस्टेंस यहाँ से होकर के यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है यहाँ आया, यहाँ तक वोल्टेज हमारा ठीक है। लेकिन जो फिर हम उसी रेजिस्टेंस के सेकेंडरी पोल पे चेक करते हैं तो हमें यहाँ कुछ नहीं दिखता, इसी वोल्टेज को यहाँ ड्रॉप कर रहा है ये रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस को मैं चेंज करता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ इसका पिक्चर।
देखिए दोस्तों, यही रेजिस्टेंस है। मैं इसको एक बार चेक करके दिखाता हूँ आपको। मीटर को मैंने डायरेक्ट पर लगा रखा है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये रेजिस्टेंस शॉर्ट दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। मैं इस रेजिस्टेंस के बदले एक रेजिस्टेंस में दूसरा अब इसमें लगाता हूँ, मैं ये वाला देख सकते हैं। और ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद में टीवी को ऑन करके इसका वोल्टेज भी चेक करके दिखाता हूँ और फिक्चर भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने रेजिस्टेंस इसका लगा दिया है। मैं थोड़ा थिनर से साफ कर देता हूँ। टीवी चालू करके और फिर मैं इसका वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ, देखता हूँ कि इसका वोल्टेज ऐसी पे पहुँचा कि नहीं। मीटर को मैं 250 वोल्ट पे लगा दिया, जो वोल्टेज इसका अनबैलेंस हो रखा था वो मेरा अब सेट हो गया। देख सकते हैं आप, दोनों सिरे पे बराबर वोल्ट आ रही है। दोनों सिरे पे आ रही है वोल्टेज। ये देखिए, और ये दूसरा सिरा है, ये देखिए, ये रेजिस्टेंस ही इसका ख़राब था। अब मैं एक बार टीवी अभी कॉर्ड लगा करके देखता हूँ कि मेरा पिक्चर आया कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, मेरा पिक्चर भी आ गया, जो इसमें वाला पिक्चर आ रहा था उसकी भी क्लियरिटी अब आ गई पिक्चर में, देख सकते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो आपके पास में जल्द से जल्द पहुँचता रहे। ऐसे ही नए नए ट्रिक लेकर के मैं आता रहता हूँ। अभी तो मैं साउंड का कॉर्ड लगा करके भी देख लेता हूँ। थैंक यू सो मच।